साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO AR O की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 की होनी है उसके लिए कुछ टेस्ट देख रहे हैं, और इसी कड़ी में हम लोग जो है PCS मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इस पार्ट में जो बचे हुए 70 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसका PDF जो है, इसके PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप PDF ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो भी क्वेश्चन है GS के क्वेश्चन है, ये GS के क्वेश्चन केवल आपके RO AR O के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो UPPCS BPSC या जो अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत शामिल किया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो पहला है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानुषित दशाओं संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 43 का में क्या है, अनुच्छेद 43 का में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो नहीं। 43 का में जो दिया गया है वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने संबंधित है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है, जबकि जो निर्वाह मजदूरी वाला है ये आर्टिकल 43 में है। 43 खा में जो है सहकारी समितियों के लिए अभिवृत्ति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो देखिए पहला यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में विस्तृत है, सही है। इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ये भी सही है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो देखिए पहला अनुच्छेद 43B में है सहकारी समितियों के अवृत्त, ये आपका सही है। वहीं अनुच्छेद 48A क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, नहीं। ये जो चीज़ है ये आर्टिकल 49 में है, किसमें है, 49 में। 48A में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन जीवों की रक्षा संबंधित है, तो यहाँ पर बी वाला आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 39A क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 47 क्या है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, इत्यादि से संबंधित है। अगला है 76, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने संबंधित नीति निर्देशक तत्व। 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें मूल सूची में जो है चार नई चीज़ें जोड़ी गई। पहला, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करना। तीसरा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना। और चौथा, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करना है। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है, तो ये आपका 3 माह तक, कितने माह तक, 3 माह तक, आर्टिकल 22 में है, ठीक है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा घटाकर 2 माह कर दिया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में कितना है, 2 माह, तो इसलिए ए ऑप्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई, तो इसे 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अगला है, संविधान के में केंद्र तथा राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो संविधान के भाग 11 में दिया गया है, संविधान के भाग 11 में दिया गया है, जिसमें 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध है, 256 से 263 तक जो है प्रशासनिक संबंध है, और 268 से 293 तक जो है वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के माध्यम से। इसके तहत वन, नापतौल और चार चीज़ें जोड़ी गई थी। पहला है वन, दूसरा है नापतौल, तीसरा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, चौथा है न्याय का प्रशासन। अगला है, समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है,
तो ये अधिकार जो है संसद को दिया गया है। अगला है, केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो है आर्टिकल 263 के तहत जो है वो आपका राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करता है आर्टिकल 280 के तहत, जिसका गठन किया जाता है। अगला है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। ये प्रस्ताव 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो है संसद के द्वारा किया जाता है संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर। अगला है, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, कहाँ पर लागू होंगे? तो ये भारतीय क्षेत्र के अंदर लागू होंगे, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे, विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर लागू होंगे। तो ये डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में किया गया था। आगे बात करते हैं, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होगी? तो ये गारंटी जो है केंद्र की संचित निधि पर, किस पे? केंद्र की संचित निधि पर भारित होगी। संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई? प्रशासनिक संबंधों की बात हो रही है तो ये व्याख्या आपकी जो है अनुच्छेद 256 से 263 के तहत है, भाग 11 में 256 से 263 तक। आगे बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है आपका कब हुई थी? 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। यहाँ इससे पहले 89 वाले क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, संविधान में जो है अनुच्छेद 245 से 255 तक जो है ये केंद्र राज्य विधायी संबंध है। ये भाग 11 के तहत ही तीन तरह के संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में। पहला 245 से 255 तक ये विधायी संबंध है, 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है, ठीक है, और 268 से 293 जो है ये वित्तीय संबंध है। इतनी चीज़ याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में होती है। अगला है, 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि निम्न से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, अब जो है आम आदमी पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, ठीक है, तो ये प्रश्न आपका गड़बड़ हो जाता है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है, यहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी भी राजनीतिक दल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है ये भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं, एनसीपी जो है ये नहीं है, ठीक है, सी वाला, यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा? सी। आगे बात करते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन, तो ये है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न से कौन सी दशा पूरी करनी होती है? तो देखिए, इसके लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है देखिए, इसके लिए एक कंडीशन कि कोई पंजीकृत दल विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें जो है वो हासिल कर ले। दूसरी कंडीशन हो सकती है, यदि कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत, यहाँ पे 8% मत है ना, ये 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। आगे चलते, देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे? तो जो 2019 में हुए थे वो 17वें आम चुनाव थे, ठीक है। पहला जो हुआ था 1952 में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला सही नहीं, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित शामिल होते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये कथन आपका सही है। तो इसलिए बी ए मतलब कौन सा सत्य नहीं, पहला वाला कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है, परंतु मृत्युदंड को नहीं क्षमा कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है, ये कथन आपका गलत है। अगला है, सुमेलित नहीं है अनुच्छेद और उसके अंतर्गत वर्णित उपबंध क्या है? तो आप देखें, 153 में राज्य प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है,
213 में राज्यपाल का अभिभाषण है और 174 में विधानसभा का विघटन है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें आपका जो है सी वाला ऑप्शन, 213 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, ठीक है। 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आगे बात करते हैं निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें पहला देखिए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। दूसरा, भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, ये कथन भी आपका गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए, पहला, वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, सही है। वह विधानसभा के सत्र को आहूत व सत्र अवसान करता है, सही है। वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारता रखता है, ये तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारता रखता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारता रखता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया, भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं, कौन सा सुमिलित नहीं है अनुच्छेद और उसके अंतर्गत वर्णित उपबंधों में? 52 में भारत का राष्ट्रपति है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है, 54 में राष्ट्रपति की पदावधि है, ये गलत है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है और राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो 55 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पदावधि जो है, राष्ट्रपति की पदावधि 55 में है। तो यहां पर देखिए, आपके दो कथन गलत हो जाते हैं, आपका सी वाला भी गलत है और 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है, तो ये 54 आपका गलत हो जाता है। और 55 में क्या लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जबकि 55 में क्या है, राष्ट्रपति के पदावधि का वो बंद है, तो दोनों गलत हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं कौन? राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य? नहीं, बिल्कुल नहीं, निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभाओं के सदस्य, देखिए इसमें दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर आपके तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सत्य है। संघ की कार्यपालिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, सही है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं या अधीनस्थ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कराएगा, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ये तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पहला, माता पिता अथवा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, तो यहाँ 8 से 14 वर्ष नहीं, 6 से 14 वर्ष है, इसलिए पहला कथन जो है ये सही नहीं है। अगला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, ये सही है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, ये भी सही है। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी सही है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्हता होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, नहीं 30 वर्ष की आयु नहीं है, ये 35 वर्ष की आयु है, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है। लाभ का पद ना धारण कर तो ये सही है। तो यहाँ पर आपका बताना है कौन सा सत्य, दूसरा वाला कथन ही केवल असत्य, बाकी पहला तीसरा सही है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है राज्यपाल के संबंध में? पहला, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अदरवाइज आप कहें तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करता है, तो पहला सही है। दूसरा, एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल का पदभार ग्रहण कर सकता है, सही है। जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकार के चयन नहीं कर लिया जाता वह अपने पद पर कार्य करता रहेगा, ये भी सही है। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, ये कथन गलत है, तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। अगला है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह क्या हो, जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी ऑप्शन। निम्न से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है, ये राज्यों में होते हैं, तो यहाँ पर भी सही नहीं है। महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, इसकी इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं 108 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1958 से संबंधित नहीं है? तो आप इसमें देखें,
इसके तहत भारत पहला है, इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया, ये सही है। इसने भारत के राज सचिव पद को समाप्त कर दिया, नहीं, इसने भारत के राज सचिव पद का सृजन किया था, तो बी वाला आपका सही नहीं है। सी, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, ये सही है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं, 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए, यहाँ 1 नवंबर नहीं 26 नवंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 26 नवंबर 1949 को होना चाहिए। तो इसके तहत जो है 16 अनुच्छेदों को जो है वो प्रभावी कर दिए गए थे, बाकी अन्य जो है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए बताना है ये जो तीन कथन दिए गए इसमें सही कथन कौन से हैं, कौन से सही कथन है। पहला, 1935 का अधिनियम, इसने केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, नहीं, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था ले आया था, प्रांतों में समाप्त की थी इसने। दूसरा, इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया, नहीं, केंद्र में प्रारंभ किया था, तो दूसरा कथन भी गलत है। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये कथन भी गलत है, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, तीन के तीनों कथन यहाँ पर गलत है, इसलिए कोई भी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की सॉरी निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं शामिल थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। आगे बात करते हैं, कुल अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य इसमें शामिल थे। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए थे, कौन से प्रावधान किए गए थे, तो यहाँ पे तीन प्रावधानों की बात की गई है। तो पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद करके उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, ये कथन आपका सही है, पहला सही है। दूसरा, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई, नहीं, ये 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। तीसरा, कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को एक कर दिया गया, नहीं, पृथक पृथक कर दिया गया, कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को 1784 के पिट्स एक्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर केवल पहला कथन ही सही है, ए ऑप्शन। संविधान सभा की गठित समितियों में समितियों में उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, संविधान सभा की गठित समितियों में उनके अध्यक्ष के संबंध में, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जे बी कृपलानी नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के एस वरदाचारी। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन था, उद्देश्य का आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, संविधान सॉरी उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका, ये कथन था न्यायमूर्ति हिदायत, नहीं, ये कथन जो था सुभाष कश्यप जी का रहा है, संविधान के जानकार रहे हैं इनका कहा है, जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने संविधान क्या कहा था, उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, और के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा था, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम को दिया गया था, जनता, क्योंकि इसमें जनता के लिए कुछ खास सुधार न करके सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने के कारण इसे भारतीय परिषद अधिनियम को हितैषी निरंकुशवाद या संवैधानिक तानाशाही का नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा के विरुद्ध विधि प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, तो ये किया गया था चार्ल्स एक्ट 1833 के तहत, और अंततः 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो कथन दिए गए हैं, पहला, और बताने इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, नहीं, ये गैर न्यायिक है, दोनों कथन गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है, तो कौन सी है, तो देखिए की विशेषता संसदीय संप्रभुता के, संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत,
ये तीन के तीनों जो है संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। संसदीय संप्रभुता आपकी ब्रिटेन में होती है, भारत में नहीं है। यहां पे संविधान सबसे ऊपर है, तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? एकात्मक विशेषता के विरुद्ध कौन सा? देखिए, आपातकाल का प्रावधान, ये एकात्मक विशेषता, केंद्र सीधे लगा सकती है, मतलब जो प्रावधान केंद्र के पक्ष में ज्यादा झुके होते हैं वो एकात्मक विशेषता है, और जहां पे संघवाद होता रहेगा, फेडरलिज्म जहां पे रहेगा वो एकात्मक नहीं रहेगा। तो आपातकाल का प्रावधान हो गया आपका। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, अखिल भारतीय सेवाएं होगी, ये एकात्मक विशेषताएं, परंतु स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान ये एकात्मक विशेषता नहीं है, ये संघीय विशेषता है, डी ऑप्शन। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? तो देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया, तो इसमें से कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया, तो डी ऑप्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा या से कथन जो है वो गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए। पहला, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया है, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के माध्यम से इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो पूछा कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका कि विधान परिषद के विषय में, विधान परिषद, विधानसभा की बात नहीं हो रही, विधान परिषद के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? तो तीन कथन दिए गए हैं, तीन कथन बताना है कौन सत्य। पहला, इसकी स्थापना उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी, दो तिहाई नहीं, एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, ठीक है, एक तिहाई, तो ये गलत हो गया। तीसरा, इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो देखिए, जो विधान परिषद चुनाव में सदस्यों का निर्वाचन होता है उसमें 1/3 जो होते हैं वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 जो होते हैं, अन्य 1/3 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा, और 1/12 जो हैं स्नातकों के द्वारा, 1/12 शिक्षकों के द्वारा, और 1/6 राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? कौन से प्रस्ताव? तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सॉरी, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में आएगा, बाकी जबकि विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव किसी भी, चाहे राज्यसभा में ले आइए चाहे लोकसभा में ले आइए, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा ए ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये कथन ये है आपका आर्टिकल 74 के तहत। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है इन चारों में से? तो देखिए, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता, सही है, ये भी सही है, जब तक उसे विश्वास मत प्राप्त है तब तक वो रहेगा, वह बहुमत दल का नेता होता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है? तो न्यूनतम 1/4, 1/4 का। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है? तो 165 में किया गया, और राज्यपाल इनको नियुक्त करता है। विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, विधान, यह भारत सभी राज्यों में नहीं, सभी राज्यों में नहीं, 6 राज्यों में केवल है वर्तमान में। इसके सभापति के चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है? नहीं, इसके सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद में चुने जाने के सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए? नहीं, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं, 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे कोई कथन सत्य नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 चारों गलत हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? तो ये 4 माह तक, अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 108 के तहत। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सामूहिक विशेषाधिकार,
देखिए, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये सामूहिक नहीं व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है। तो ए वाला, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, ये सामूहिक है। चर्चा में प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये भी सामूहिक है। अपरिचितों को सदन के बाहर रखने का विशेष अधिकार, ये भी सामूहिक है। निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, तीन सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून होता है और शीतकालीन सत्र होता है। ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तीन सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सबसे पहले बजट सत्र आता है, फिर मानसून आता है, फिर शीतकालीन सत्र आ जाता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है इन चार कथनों में से? तो देखिए, पहला, मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह तब तक अस्तित्व में बनी रहेगी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत होगा, पहला कथन गलत है। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती 91 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो पहला और तीसरा गलत है, बाकी दो और चार सही है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है? तो यह है संसद। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आप देखें, वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता, नहीं, राज्यपाल होता है। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते, नहीं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है, नहीं, विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो पहले तीनों गलत हैं, और डी, वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है? किस परिस्थिति में? तो देखिए, वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, तो भी कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है, तब भी उसकी सदस्यता जाएगी। तीसरा, वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है, मतलब व्हिप के खिलाफ जाता है, तो तीन के तीनों आधारों पर वो अयोग्य ठहराया जाएगा। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन। संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव, संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव क्या होता है? ये कटौती प्रस्ताव होता है। कुल चार प्रकार कटौती होती है, साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती, गिलेटिन कटौती। अगला है, कौन सा सम्मिलित नहीं है राज्य और लोकसभा में आवंटित सीट? तो देखिए, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, पंजाब में 12 नहीं है 13 हैं, पंजाब में 12 नहीं 13 सीटें हैं, गोवा में 2 हैं, बिहार में 40। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 25 हैं, पंजाब में 13 हैं, गोवा में 2 हैं, बिहार में 40 हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।